देखो कितना कितना मस्त दिख रहा है गाइस, देखो गिर जाएगा क्या चलो एक आशीष। दोस्तों स्वागत है फिर से न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग पोक बना के खाने वाले हैं आज। पोक रेसिपी बनेगा, हां रेसिपी बनाएंगे, पोक का रेसिपी बनने वाला है। ये देखो इतना सारा पोक लाया है, मैं कैमरा से दिखा देता हूं। देख सकते हो गाइस इतना सारा पोक है, डुक्कर का मटन बोलते हैं इसको मुंबई में। और मीनू जी कांदा छिल रही है, तो रिक्वेस्ट है आप लोग से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप लोग। आज बहुत बहुत मैं भी बहुत डुक्कर का मटन बहुत खाऊंगा, मीनू जी भी खाने वाली है। मीनू जी हंस रही है, देखो कितना खुश है, मेरे बच्ची भी है, मेरे बेटी भी है। तो लास्ट तक देखना जरूर आप लोग गाइस, प्लीज रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो कैसा लगा आप लोग को बता देना कमेंट में। बस थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई करने वाली हूँ पहला। अरे पोक को देख सकते हो गैस, ना हल्दी मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया मैं नमक थोड़ा सा, खाने में स्वाद बढ़े। आज क्योंकि बाहर ही शूट कर रहे हैं हम लोग, किचन में शूट करता है तो पूरा अंधेरा दिखता है। तो तेल मेरा गरम हो चुकी है, मैं ट्राई कर लेती हूँ थोड़ा खड़क खड़क बनाने के लिए। देखो कितना यम्मी, फॉग है, ये फॉग है, देख सकते हो गाइस थोड़ा कढ़ाई भर चुका है। सोचो फिर आज कितना मजा आने वाला है मेरे दीदी और मैं, क्योंकि हवा भी चल रही है ना, इसीलिए हवा। आप लोग सोच रहे होंगे ये केला का पत्ता क्यों ढक के रखा है, क्योंकि हवा रोकने के लिए उसको ऐसा किया गया है। नहीं तो आज बहुत हवा भी चल रहा है, देख फिर से हवा, ये फिर से लकड़ी वो आग बुझ गया। थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, फ्राई करके हो गया, अब निकाल लेती हूँ मैं, कड़क बनाने के लिए फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा। अभी बनाएंगे रेसिपी, थोड़ा सा तेल डाल के। मीनू जी ने कांदा डाल दिए ऑयल में, देख सकते हो कितना ऑयल डाला मीनू जी ने। उधर मिर्च है, उधर पोक है, डुक्कर का मटन बोलते हैं उसको, और मेरी बेटी तो पीछे है, मीनू जी हंस रही है। आज मौसम अच्छा है, उतना धूप नहीं है, हवा भी चल रहा है। देख सकते हो गाइस हम लोग खुले जगह में पोक को बना के खाने वाला है आज, बिल्कुल खुला जगह है इधर, देख सकते हो पूरा बाहर ही समझो, मतलब मैंने जो मसाला डालने का शुरू कर दिए, मिर्ची पाउडर है, जीरा है। अपना बच्ची तो पीछे से पुकार रही है मम्मी मम्मी करके। अदरक और लहसुन, बेटी पानी लाना, जरा पानी, हाँ पानी लाना, थैंक यू। अब्बा खुशबू तो बढ़िया खुशबू आ रहा है, लग रहा है आज पूरा सारा ही मतलब पोक ही खा जाऊंगा मैं अकेला, ऐसा लग रहा है। मतलब खुशबू से क्या खुशबू आ रहा है, बाप रे कितना टेस्टी खुशबू आ रहा है। देख सकते हो कितना कितना टेस्टी बनेगा, अब ये वो डालने वाली है, बाप रे सारा ही खा जाऊंगा मैं आज तो। देखो कितना कितना मस्त दिख रहा है गाइस, देखो गिर जाएगा क्या संभालो, एक हाथ से संभालो ना, छोड़ दीजिए किस तरह खड़ा है गिरना। तो मेरा पिक का रेसिपी बनके हो गया, तैयार रहती रेडी हो गया, अभी मैं उतार देती हूँ। ये देखो
नमस्ते लग रहा है ना। अभी खाना खा लेती हूँ। तो अभी राइस परोस रही हूँ मैं। दोनों माँ बेटी, माँ बेटी है, एक तरफ माँ है एक तरफ बेटी है। उतना भी नहीं खा पाएगी। देखो कितना यमी यमी। देखो किस तरह मीनू कितना ले रही है। देखो पूरा अकेला खाने वाली है। अपना बेटी के लिए कौन सा दूं? बेटी के लिए हेलो। और रस्सा भी लिया मैंने अलग से कटोरे में। देखो कितना कलर है, मस्त है। चाहिए कलर? चिकन ही खा पाएगी मेरी बेटी। तो शुरू करते मैंने खाना खाए। मेरे बेटी को भी कलीजा चाहिए बोलता है। ले लो खाओ। ये मैंने मिर्च कूट के रखी है टीका खाने के लिए। ये देखो बहुत टेस्टी बना है। यमी है क्या? मुकबंग स्टाइल मुकबंग यमी। बहुत टेस्टी है ना बेटी। हेलो बेटी। तो बार बार पानी पीती है। देखो अपना बेटी भी हिंदी बात करने लग गई है। सब समझती है, बोल भी पाती है कुछ कुछ। बहुत ही ठीक है। पता नहीं बेटी कैसी खा रही है, इसको भी छटपटा मांगता है मेरी जैसी। बेटी को हालत देखो कितना तिक्का लग रही है, खा नहीं पा रही है। देखो कितना भरा ले लिए मेरे बेटी ने। हाँ, खाया भी नहीं कुछ भी। माँ को दो, माँ को दो। देखो खाओगी? हो गया मेरा भी
खाना। तो राइस खत्म हो गया मेरा, थोड़ा सा ले लेती हूँ। और बिल्कुल देसी स्टाइल है। एक बात बोलना ही तो भूल गया, पत्ते में खाना ही तो मजा ही कुछ और है, देसी स्टाइल हो भी। देखो ये क्या लंबा सा क्या निकला, बाल है क्या? नहीं निकला। खाते टाइम कुछ बच्ची है ना, वो थोड़ी समझती है। ऐसा मत कर, ना कर। हेलो, तो दोस्तों फाइनली हो गया मेरा खाना, सारा खत्म कर दिया मीनू जी ने, सारा के सारा खा लिया मैं। तो वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट करना। तो चलते हैं अभी, बाय बाय।